नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज हम NIOS के मैथमेटिक्स 211 गणित सब्जेक्ट का असाइनमेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं कि 2019 और 20 के लिए जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। तो हम आपको वीडियो के जरिए NIOS के मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चन ट्यूटर मार्क असाइनमेंट दे रहे हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन निकाल कर अपने स्टडी सेंटर पे 31 जनवरी से पहले पहले जमा कर दें। दोस्तों NIOS के जितने भी सब्जेक्ट हैं, NIOS के 10th क्लास में और 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, असाइनमेंट आपको बनाना है और असाइनमेंट आपको जमा करना है। अगर आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो उनका जो नंबर है वो सेपरेटली अलग कॉलम में मिलेगा, जो कि आपके मार्कशीट में शो होगा। तो चलिए हम गणित का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्द में लिखें। यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको फर्स्ट पेज, जो फ्रंट पेज जो कहते हैं, उस पे आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे ऊपर में लिखना है आपको NIOS ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सेशन। यहाँ पे देखिए सेशन लिखा हुआ है, सेशन 2019 और 20, ये लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, उसके बाद अनुक्रमांक मतलब इनरोलमेंट नंबर लिखना है, जिसको रोल नंबर भी कहते हैं, और अध्ययन केंद्र का नाम। अध्ययन केंद्र मान लीजिए AI सेंटर कॉर्ड को कहते हैं, जो स्टडी सेंटर होता है उसी को अध्ययन केंद्र कहते हैं। और विषय कौन सा विषय है ये आपको लिखना है, हिंदी या इंग्लिश है, क्लास भी लिख सकते हैं आप, ये सारे फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें सब में दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन है सब में लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक ही प्रश्न का उत्तर करना है आपको, दोनों का नहीं करना है, ए या बी। एक नंबर क्वेश्चन में अगर ए और बी दो क्वेश्चन दिया गया है तो आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन करना है, जो आपको इन दोनों में आसान लगे आप उनका कर सकते हैं। इसके लिए जो ये नंबर है, ये दो नंबर दिया गया है इसके लिए, आप यहाँ दो नंबर देख रहे हैं, दो नंबर दिया गया है। उसके बाद आप चलिए दो नंबर में, इसमें भी कहा है कि दो क्वेश्चन में से एक करना है, तो इनमें से कर लीजिए। तीसरे में भी वैसे ही है, दो क्वेश्चन में एक, और इसका दो नंबर का ही है। पहला क्वेश्चन दो नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन दो नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन भी दो नंबर का है, और चौथा क्वेश्चन चार नंबर का है। अगर आप इसको करते हैं तो इसमें से चार नंबर दिया जाएगा आपको, और पांचवा भी चार नंबर का है, और छठा क्वेश्चन जो है वो छः नंबर का है। ये प्रोजेक्ट वर्क है तो इसको आपको ध्यान से करना है और साफ सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। और किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया है, मेरा नाम संतोष है, यहाँ पे नंबर दे दिया गया है। आप इन नंबर पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इजीली आप वो कर सकते हैं। धन्यवाद।